जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आर्यावर्त न्यूज़ को सबसे पहले हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। सबसे पहले तो आर्यावर्त टुडे के तमाम दर्शकों को रवि कुमार गुप्ता की ओर से हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें। मैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हम वसंतोत्सव का कार्यक्रम करने का हमारा मूल उद्देश्य ये है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको कैसे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे नौजवानों के बीच हम अच्छा संदेश कैसे दे सकते हैं, उसकी सार्थकता को पूर्ण करने के लिए हमने ये वसंतोत्सव का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट जो तमाम अतिथि हैं वो आए हुए हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन मैम हैं, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर राजकुमार नाहर सर हैं जो कि दूरदर्शन केंद्र पटना के कार्यक्रम प्रमुख हैं और अध्यक्षता। वसंत उत्सव का मतलब ही होता है कि हमारे जो मगध साहित्य कला मंच है उसके तहत हमने आज वसंत उत्सव का आयोजन किया। इस वसंत उत्सव में हमारे जितने साहित्यकार हैं पूरे भारतवर्ष के, आज वो जमा हुए पंजाब, झारखंड और कई राज्यों से लोग आए और अपने वसंत के विषय में अपने विचार को रखा। कला मंच है तो कला के क्षेत्र से भी बहुत लोग आए और मैं सुजीत झा चूँकि मीडिया देखता हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम मगध की धरती पर बहुत दिनों के बाद हुआ है। शायद इस तरह से एक तरह से हम लोग एकजुट होकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेषकर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें मौका दिया और हम इस कार्यक्रम को पटल पर उतार पाए। धन्यवाद। हाँ बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? यहाँ पे आया हूँ मगध साहित्य कला मंच के ऊपर, जो आज बहुत बड़ा एक सफल आयोजन हुआ वसंत महोत्सव को सम्मुख रखते हुए, और यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार यहाँ पे आए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ किसे, बिहार मंच और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम भी यहाँ पे पहुँचे। बिहार कैसा लगा? मैं गुरमीत सिंह मीत जरमस्तपुरी, जिला तरन तारण पंजाब से, और मैं अपने काम के सिलसिले में मैं झारखंड में चंदवा लातेहार जिला में रहता हूँ।